आदरणीय माणिकराव ठाकरे जी, हमारे एआईसीसी के प्रवक्ता आदरणीय जयराम रमेश जी, पीसीसी चीफ आदरणीय भाई रेवंत रेड्डी जी, रेवंत रेड्डी को मैं देखता हूं तो मुझे राहुल गांधी जी जब मुझे अध्यक्ष बनाए थे तो मेरी उम्र भी 52 साल की थी और ये भी उतने ही उम्र के हैं रेवंत भाई। मल्लू भाटी जी हमारे सीएलपी लीडर, आदरणीय उत्तम रेड्डी जी, पूनम प्रभाकर जी, वासिम रेड्डी जी, आदरणीय के राजू जी, जीवन रेड्डी जी, एक्सपीसीसी प्रेसिडेंट वी हनुमंत राव जी, सत्यनारायण जी और साथ ही हमारे एआईसीसी के सभी सेक्रेटरीगण उपस्थित, मंच में उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे साथ आए हमारे मिनिस्टर भाई कवासी लखमा जी जो आपके तेलंगाना से लगे हुए हैं और हर चुनाव में यहाँ आते हैं सीमावर्ती क्षेत्र में। आदरणीय साथियों, यह करीम नगर और तेलंगाना दोनों का जब जब तेलंगाना को याद किया जाएगा तब तब करीम नगर को भी याद किया जाएगा, क्योंकि यही वो शहर है जहां हमारे यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी आके अनाउंस की थी तेलंगाना बनेगा। आदरणीय साथियों, तेलंगाना के लिए संघर्ष करने वाले सभी साथियों को मंच में भी बैठे हैं जिसके बारे में जयराम रमेश जी ने कहा, उनको भी और मेरे सामने बैठे हुए हैं सबको तेलंगाना राज्य के लड़ने वाले सभी साथियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उपस्थित पत्रकार मित्रों, साथियों, तेलंगाना आपने मांगा, तेलंगाना आपको मिला। क्या किसानों को दाम मिला? क्या नौजवानों को काम मिला? क्या बेरोजगारी दूर हुई? बेरोजगारी तो केवल एक परिवार के दूर हुई है, केसीआर की। ये केटी रामाराव कौन है? उसको भी रोजगार मिला है। ये हरीश राव कौन है? उनको भी रोजगार मिला। कविता जी कौन है? मतलब रोजगार मिला तो केवल एक परिवार को मिला है। अब इधर कह रहे हैं लिकर क्वीन। रोजगार तो देना था बेरोजगारों को, युवाओं को, लेकिन सारा रोजगार दे दिया अपने परिवार को। आदरणीय साथियों, अभी हमारे पूर्ववक्ताओं ने एक बात कही, एक मॉडल है भारतीय जनता पार्टी को गुजरात मॉडल है, दूसरा मॉडल है कांग्रेस का, वो छत्तीसगढ़ का है। राहुल जी अक्सर ये बात कहते हैं, पूरे देश के पैसा इकट्ठा करो, नोटबंदी लागू करो, किसानों के, गरीबों के, महिलाओं के, नौजवानों के, व्यापारियों के, छोटे व्यापारियों के, सब पैसा को बैंक में डालो और बैंक का पैसा उनके साथियों को दे दो। पूरे देश का पैसा दो तीन लोगों के लिए, चार लोगों के लिए, यह है गुजरात मॉडल।
मोदी जी जब आए थे 2014 में तो उन्होंने कहा देश में गुजरात मॉडल लागू करेंगे, लेकिन मैं तेलंगाना के साथियों को, करीमनगर के साथियों से पूछना चाहता हूं, इस गुजरात मॉडल से आपको कोई फायदा मिला? नहीं मिला। ये टीआरएस के जो मॉडल है उसको भी आपने देखा, एक परिवार को रोजगार दिया, लेकिन साथियों कांग्रेस का मॉडल, कांग्रेस हमेशा आम जनता को ताकतवर बनाने का काम करती है। जब यूपीए की सरकार थी तो आपको शिक्षा का अधिकार, भोजन प्राप्त करने का अधिकार, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब दिया। और जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है और राहुल गांधी जी जब प्रचार करने हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं तो उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाइए, किसानों का कर्ज माफ होगा, किसानों के धान 2500 रुपया क्विंटल में खरीदा जाएगा, तेंदुपत्ता 4000 रुपया प्रति मानक बोरा से खरीदा जाएगा। राहुल गांधी जी ने तो हमको 10 दिन का समय दिया था, 10 दिन में आपको कर्ज माफी करना है। आदरणीय साथियों, हमारे तमाम राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ आए थे शपथ ग्रहण में, जो मंच में बैठे हैं, मनमोहन सिंह जी भी आए थे, अशोक गहलोत जी आए थे, सभी नेता हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे शपथ ग्रहण में। राहुल जी इधर शपथ ग्रहण समारोह से निकले, एयरपोर्ट उनको छोड़ा, मैं घर नहीं गया साथियों, सीधा मंत्रालय गया। राहुल जी दिल्ली एयरपोर्ट उतरे, छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों के 9.5 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया, 2500 रुपये हम खरीदना शुरू किया। आज तेलंगाना में कहते हैं कि रायतु बंधु के तहत हम लोग 5000 रुपया कर देते हैं, अरे छत्तीसगढ़ में हम 9000 रुपया कर देते हैं। यहां धान की कीमत क्या है कोई किसान हो तो बताइए, खरीदी सरकारी रेट तो एमएसपी तो 2060 और 2040 रुपया है, लेकिन बाजार में कितने बिकता है? ₹1500 रुपया। आपके यहां किसानों की संख्या अधिक है, रकबा अधिक है, लेकिन देश में सबसे ज्यादा किसानों ने यदि धान बेचा समर्थन मूल्य में तो कांग्रेस की सरकार जहां है छत्तीसगढ़ में, यहां 11 लाख किसानों ने धान बेचा समर्थन मूल्य में, छत्तीसगढ़ में 23 लाख किसानों ने, वहां 11 लाख में 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, छत्तीसगढ़ में 23 लाख किसानों ने 107 लाख मीट्रिक टन धान बेचा है 2040 और 2060 रुपया। आदरणीय साथियों, ये भी प्रदेश किसानों का है, ये भी प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों का है, मेहनत कश लोगों का है, और मेहनत कश लोगों का सम्मान कहीं मिलता है तो कांग्रेस की सरकार में मिलती है, दूसरे कहीं नहीं मिलता। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, गोधन न्याय योजना लागू किया, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना लागू किया, देश में कहीं नहीं दोस्तों, यहां भूमिहीन श्रमिक जो है मजदूर है उसको भी 7000 रुपये सालाना दे रहे हैं, यहां मिलता है? अरे तो हम तो छत्तीसगढ़ में 2 रुपये किलो में गोबर भी खरीदते हैं, गौमूत्र भी खरीदते हैं, ताकि किसान मजबूत हो, गौपालक मजबूत हो। आपके यहां बेरोजगारी दर 5% से अधिक है, हमारे यहां 1% से कम है ये बेरोजगारी दर, क्योंकि हमने कांग्रेस के नीतियों को, कार्यक्रमों को लागू किया। हमारे जितने बड़े नेता है, जयराम रमेश जी से भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के लिए कितने बहसें की, उन्होंने कहा कि भूमिहीनों के सर्वे कराइए, हमने सर्वे कराया, योजना बनाई, और 6000 रुपया दे रहे थे। पिछले साल 3 फरवरी के राहुल जी खां से पहला चेक हमने वितरित कराया, राहुल जी ने कहा कुछ कम और बढ़ा दीजिए, हमने कहा 7000 रुपया।
छत्तीसगढ़ में अभी बजट हमने प्रस्तुत किया 6 मार्च को होली के एक दिन पहले, नौजवानों को भी 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का हमने फैसला किया, 2500 रुपया नौजवान साथियों के लिए। तो ये कांग्रेस की सोच है और यही मैं चाहता हूं। तेलंगाना जिस उद्देश्य से बनाया गया है, जिस उद्देश्य से आपने मांग की है, यदि उसे कोई पूरा कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी पूरा कर सकता है, और ये हमारे नेता हैं, वो इसे पूरा करेंगे। और यदि आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, विश्वास करते हैं, दोनों हाथ उठा के समर्थन करिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, नौजवानों के, महिलाओं के लिए योजना बनाई और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और लूटने का काम एक तो यहां की सरकार कर रही है, दूसरी दिल्ली की सरकार कर रही है। केवल लूटने का काम, देश को खोखला करने का काम। तो आज आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम गुजरात मॉडल भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का मॉडल भी देख लीजिए, चाहे यूपीए की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार की बात हो। इन दोनों के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक तरफ आपको शक्तिशाली बनाने का काम और दूसरे तरफ कमजोर बनाने का काम। और यही कारण है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी 7 सितंबर से पद यात्रा उन्होंने शुरू की कन्याकुमारी को, और 30 जनवरी को श्रीनगर में उन्होंने, कश्मीर में जाकर उन्होंने समाप्त किया। इसलिए कि आप ताकतवर हो, आप शक्तिशाली होने, और ये नफरत जो फैला रहे हैं उससे आपका भला होने वाला नहीं है। आपको आपका तो वोट ले लेते हैं, चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, लेकिन नुकसान आपको उठाना पड़ता है, फायदा केवल उन लोगों को होता है। तो ये बात आप समझिए, अपने वोट के कीमत समझिए, आप अपने भविष्य को अंधकार मत बनाइए। और आज भाई रेवंत रेड्डी और पूरी टीम जो बैठी हुई है, सीनियर साथी हमारे बैठे हैं, हमारे नौजवान टीम बैठी हुई है, और आदरणीय माणिक राव ठाकरे जी बैठे हैं उसके रहनुमाई में, आदरणीय जयराम रमेश जी, के राजू साहब, सारे हनुमंत राव जी, सब लोग बैठे हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष रेड्डी साहब भी बैठे हैं, जब हम लोग साथ में अध्यक्ष थे, ये पूरी नौजवान पीढ़ी भी आपके साथ है। आदरणीय साथियों, नया तेलंगाना बनाना है और वो आपके हाथ में है, और यही निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि नया तेलंगाना हमको गढ़ना है, बनाना है, जो आपका होगा, अपना होगा, हम सबको होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जय हिंद, जय कांग्रेस।